दोस्तों आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में चेक इन्फोमेनिया में और आपसे मुखातिब है औरंगजेब आज की वीडियो में मेरे पास जो रिक्वेस्ट थी बहुत ज़्यादा कि Xiaomi Mi A3 जो कि अपडेटेड है Android 11 को तो MIUI ROM रोम इसमें फ्लैश करना है जो जो कि इस वक्त लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन जो रिलीज़ हुआ है MIUI वा, कन्वर्टेड ROM 12.5.2 Mi A3 के लिए जो अपडेटेड है Android 11 को जनाब तो एक बात ये बताता चलूँ केस अगर आपका सेट जो है वो मी ए थ्री अपडेटेड नहीं है एंड्रॉयड 11 को तो ये जो वीडियो में रोम फ्लैश कर रहा हूँ आप अपने सेट पे फ्लैश मत कीजिएगा ये रोम सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड 11 को जो सेट अपडेटेड है वही फ्लैश कर सकते हैं तो जनाब सब सबसे पहले जो जरूरी काम है वो है सेट का बूट लोडर अनलॉक करना आपने मोबाइल फोन का बूट लोडर अनलॉक करें फिर आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं मी यू आई रोम और बूट लोडर जो है वो रिमेन अनलॉक रहेगा जब तक आप ये मी ओ आई रोम यूज करते रहेंगे जो ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो वीडियो देखें एक सेकंड के अंदर अपने मोबाइल फोन का जो है बूट लोडर अनलॉक करके फिर आप ये रोम फ्लैश कर सकते हैं अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं क्या आप नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है सिर्फ आपको लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दबा देना है साथ में बनी यूट्यूब की बेल आइकन को दबा देना है बहुत शुक्रिया जनाब वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो काम है जरूरी वो ये है कि अपने मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज स्टोरेज का डेटा बहुत ज़रूरी है सेव करना ये सारा कुछ फॉर्मेट हो जाएगा ठीक है जी बैटरी चेक करें मिनिमम चार्ज होना यानी कि 50 टू 60 परसेंट का चार्ज होना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा अगर आपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो सिक्योरिटी में जाके आपने जो लॉक स्क्रीन लॉक देखिएगा स्वाइप है तो स्वाइप जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली स्क्रीन लॉक ऑफ हो जाएगा, फिंगरप्रिंट वगैरह सब टर्न ऑफ हो जाएगा ठीक है फिर आप बैक करके अकाउंट्स में जाइएगा और गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा ताकि इशू बाद में ना आए अब आपको मैं अपने सेट का अबाउट फोन दिखाता हूं डिवाइस ने थ्री एंड्रॉइड वर्जन 11 पे मैंने टैप किया अब आप देखिएगा मेरा सेट जो है वो एंड्रॉइड 11 पे अपडेटेड है और सिक्योरिटी अपडेट भी आप देख रहे हैं इसके अलावा 20 बैंड के नीचे देखिएगा आपको नंबर्स भी नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा बिल्ड नंबर देखिएगा तो ट्वेल्व अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास ट्वेल्व है तो आपके पास भी होना जरूरी है जी नहीं आपके पास सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन अलेवन का होना जरूरी है चाहे आपके पास बिल्ड नंबर ट्वेल्व हो फोर हो फाइव सिक्स सेवन एट 10, 11, 12, 13, 14, कोई भी हो, का 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 होना 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 जरूरी जरूरी है, है है। ठीक जनाब? और चलिए अब शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो आपने डेटा अगर सेव कर दिया हो बूट लोडर अनलॉक कर दिया हो तो अब आप अपने सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा आइएगा कंप्यूटर की जानब और इस फ्लैशिंग प्रोसीजर के लिए डेटा केबल की जरूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की जनाब आइएगा कंप्यूटर की जानब ये मेरा फोल्डर है जहाँ मैंने फ़ाइल सेव की हुई है और इन तमाम फाइल्स का जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक नया फोल्डर बनाएं और तमाम ये फ़ाइल्स डाउनलोड करें अच्छा जी यहाँ गौर फरमाइएगा आपको दो मी कन्वर्टेड रॉम नजर आ रहे हैं एक तो स्टेबल है जो लेटेस्ट रिलीज है 12.5.2 और एक है 12.0.3 जिसके आगे ईडीएल लिखा हुआ है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपने सिर्फ और सिर्फ जो है 12.0.3 वाला जो रोम है ई जिसके आगे लिखा हुआ है इसे आपने एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ इसे एक्सट्रैक्ट करना है ऊपर जो 12.5.2 है इसे एक्सट्रैक्ट ना कीजिएगा ठीक है आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया जैसे मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूं और Xiaomi फ्लैश यही पर्टिकुलर वर्जन आप यूज करेंगे याद रखिएगा और कोई भी Xiaomi फ्लैश यूज मत कीजिएगा इसे यूज कीजिएगा ठीक है इसे भी एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा कर जिसे मैं एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुका हूं अच्छा जनाब 12.0.3 जो कन्वर्टेड रॉम है एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करें एक और फोल्डर होगा जब आप इस पे, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग की तमाम फाइल्स नजर आएंगे ठीक है अब आप इसी बैक करके इसी पर्टिकुलर फोल्डर को यहां से कॉपी करेंगे और अपने कंप्यूटर के किसी भी मेन हार्ड ड्राइव में सी में डी में ई e में एफ में जी में जो आपके पास सहूलत मौजूद हो मैं एफ पे कॉपी करूंगा इस वक्त देखिएगा मैं सब फोल्डर में हूं यह है दिस पीसी तो फिर मेरे एफ हार्ड ड्राइव है फिर मी ए का फोल्डर है और फिर श्योमी का इंस्ट्रक्टेड फोल्डर है ठीक है जी मैं आऊंगा एफ पे क्लिक करूंगा तो मैं मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में बाहर निकल के आ जाऊंगा यहां देखिएगा दिस पीसी और मेरी हार्ड ड्राइव नजर आ रही है तो वो जो रॉ मैंने वहां से कॉपी की फोल्डर वो यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा मेन हार्ड ड्राइव में जैसे कि मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूं जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे 12.0.3 पॉइंट वो पॉइंट थ्री देखा आपने मीसीसी नाइन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फ्लैशिंग की फाइल नजर आएगी अच्छा जनाब आप दोबारा मेन जो डाउनलोडेड फोल्डर था वहां दोबारा जाइएगा श्योमी फ्लैश को आपने एक्स्ट्रैक्ट किया होगा एक्स्ट्रैक्टेड श्योमी फ्लैश को ओपन करेंगे एक और फोल्डर होगा ओपन करेंगे नीचे आइएगा आपको श्योमी फ्लैश का एप्लीकेशन यहाँ जो आइकन है वो नजर आएगा इस पर डबल क्लिक करेंगे अगले विंडो पे यस कीजिएगा यस पे क्लिक करेंगे तो श्योमी फ्लैश जो है वो ओपन हो जाएगा और हो सकता है कि एक और परमिशन भी ये आपसे मांगे और तब अगर आपसे ये परमिशन मांगेगा तो यस कर दीजिएगा जनाब जब श्योमी फ्लैश ओपन हो जाए तो आप सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और अपने उस मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में जाइएगा जैसे मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया और सी डी एफ एफ पे मैंने कॉपी किया था तो मैंने एफ में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ नीचे मुझे मी सी सी नाइन ई ट्वेल्व पॉइंट ओ पॉइंट थ्री ई डी एल फोल्डर नज़र आएगा इसमें मैं क्लिक करूँगा तो इमेजेस का फोल्डर भी आपको नजर आना जरूरी है आपने इसे सेलेक्ट किया ओके okay किया और श्योमी फ्लैश जो है वो इस फोल्डर को जो है लोड करके रेडी होगा अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानब यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ केबल आपने होल्ड करनी है अपने राइट right हैंड में मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे ई मोड में मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना जरूरी है ई मोड में, में बूट करने के लिए आपने मोबाइल फ़ोन को राइट right हैंड में होल्ड करके वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना है वॉलीम डाउन की को प्रेस करके रखना है ये दोनों कीज को प्रेस करके रखना है छोड़ना नहीं है और फिर केबल कनेक्ट करनी है केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी है आपने केबल कनेक्ट की और मोबाइल फोन जो है लोगो दिखाएगा फिर उसके बाद ईडीएल मोड में बूट हो जाएगा दोनों की छोड़ दीजिएगा देखा आपने एंड्रॉइड वन का लोगो आया और दोबारा गायब हो गया और सेट जो है मेरा ईडीएल मोड में बूट हो गया है सेट इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ब्लैक स्क्रीन है डेड हो गया है लेकिन सेट जो है वो बूट हो गया है ईडीएल मोड में अब जरा मैं आपको यहाँ एक और बात बताता चलूँ जनाब अब आप अपने एक ये जो स्टार्ट मेन्यू है यहां पर आप राइट क्लिक कीजिएगा फिर डिवाइस मैनेजर पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा और डिवाइस मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा और यहां जब आप नीचे आएंगे और पोर्ट्स एंड कॉम पे जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये जो ड्राइवर है कॉल कॉम एच एस यूएस बी क्यू लोडर नाइन डबल जीरो एट कॉम टेन ये अगर आपके पास नजर आना जरूरी है आप समझ ले कि आपका सेट जो है वो ईडीएल मोड में बूट हो चुका है और ड्राइवर भी इंस्टॉल है ठीक है जी मैं इसे अभी बंद कर देता हूं ये सिर्फ आपको दिखाना था ये बहुत जरूरी है अब मैं श्योमी फ्लैश की तरफ आऊंगा अब मैं यहाँ पर रीफ्रेश पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो सेट है वो डिटेक्ट हो जाएगा श्योमी फ्लैश देखा आपने कॉम टेन आपको मैंने अभी डिवाइस मैनेजर में भी दिखा दिया श्योमी फ्लैश ने बूट डिटेक्ट कर दिया है मोबाइल फोन को अब आप नीचे आइएगा यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा ये जो क्लीन ऑल लॉक ऑलरेडी सेलेक्टेड है इसे आपने नहीं सेलेक्ट करना है आपने क्लीन ऑल पे क्लिक कर देना है क्लीन ऑल सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली फ्लैश ऑल सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि बूट लोडर को रीलॉक नहीं करना अब आपने रिफ्रेश करके एक सेट भी डिटेक्ट हो गया है अब आपने फ्लैश पर क्लिक कर देना है फ्लैशिंग शुरू होगी जो कि मी आई कन्वर्टेड रॉम है ट्वेल्व पॉइंट पॉइंट थ्री मोड से फ्लैशिंग शुरू हो जा हो चुकी होगी आपके पास भी यकीनन ये हो चुकी होगी वेट करें ये वाली फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं जनाब जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो यहां आपको सक्सेस नजर आएगा और चार सौ चार सौ सेकेंड्स यानी कि सात से साढ़े सात मिनट्स लगे फ्लैशिंग को कंप्लीट होने में ठीक है जनाब अब आपने क्या करना है कि जो श्योमी फ्लैश है इसे यहां से क्लोज कर दीजिएगा और इस आप एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में होंगे गए फ्लैश के तो बैक करके अपने डाउनलोडेड फोल्डर में आइएगा चलिए जनाब अब आइएगा मोबाइल फोन की जानब मोबाइल फोन जो है वो अभी फिलहाल बूटेड है ईडीएल मोड में आपने सबसे पहले केबल डिस्कनेक्ट करनी है मोबाइल फोन से ठीक है जी फिर आपने गौर फरमाइएगा अब आपने पावर की और वॉल्यूम अप की ये आपने प्रेस करके रखी है टाइम थोड़ा लगेगा ई मोड है ईडीएल मोड से हमें बाहर निकालना है पावर की दबा दीजिएगा और वॉल्यूम अप की बस प्रेस करके रखिएगा वेट करें बीस सेकेंड लगे लोगो आया आपने पावर की छोड़ देनी है और वॉल्यूम अब की नहीं छोड़नी और सेट जो है एडियल मोड से बाहर आ गया है अब ये कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा वॉल्यूम अब की छोड़ दीजिएगा इस रोम के साथ कस्टम रिकवरी भी ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाती है देखा आपने जी मेरा सेट जो है वो बूट हो गया है कस्टम रिकवरी में अब आप, आप यहाँ स्वाइप अलाउ टू तो मॉडिफिकेशन स्वाइप कर दीजिएगा रिकवरी की स्क्रीन आ गई है अब आपने सबसे पहले वाइप पे टैप करना है फिर फॉर्मेट डेटा पे टैप करना है वाई ई एस यहां टाइप करके यहाँ टैप कर देना है और जब ये हो जाए तो बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा यहां पर फिर रीबूट पे टैप करें और रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा सेट एक बार फिर रीबूट होगा कस्टम रिकवरी में अब आप देखें मी लोगो आपको नजर आएगा पहले एंड्रॉयड वन आता था दोबारा से कस्टम रिकवरी जो है वो बूट हो जाए तो अब आप केबल को दोबारा कनेक्ट करें मोबाइल फोन से आपने केबल कनेक्ट की आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इंटरनल स्टोरेज जो है वो आ जाएगा ये रहा जी इंटरनल स्टोरेज जो कि मेरे मोबाइल फोन का है ठीक है जी मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको twrp का फोल्डर नजर आएगा अच्छा जनाब आप डाउनलोडेड फोल्डर में आइएगा और यहां पर जो 12.5.2 वाली रोम है जो कि कन्वर्टेड रोम है और लेटेस्ट है इसे आप यहां से कॉपी करें और अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में वो रोम फाइल पेश कीजिएगा और जनाब जैसे ही रोम फाइल कॉपी हो जाए आपको यहां नजर आएगी तो अब आपका कंप्यूटर से काम खत्म हो गया है केबल डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फोन से ठीक है जी अब मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आइएगा और अब आप, आप यहाँ गौर फरमाइएगा सबसे पहले आप वाई पर टैप करें फिर उसके बाद एडवांस वाई पर टैप कीजिएगा और जो पहला डेलविक आपको नज़र आ रहा है इस पर टैप करें इसको सेलेक्ट करें डेटा को सेलेक्ट करें इंटरनल स्टोरेज को ना करें कैशे को सेलेक्ट करें और सिस्टम को सेलेक्ट करें ठीक है जनाब ये चार पार्टीशन आपने सेलेक्ट किया आपने स्वाइप किया और फॉर्मेटिंग शुरू होगी और जब ये हो जाए तो बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा बैक करके ठीक है जी अब ये मेन स्क्रीन आ गई है अब आपने इंस्टॉल पे टैप कर देना है आपको श्योमी फ्लैश का जो रोम श्योमी ई ओ रोम जो नज़र आएगा कन्वर्टेड 12.5.2 इसे जब आप टैप करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अब आपने स्वाइप कर देना है और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी ठीक है जनाब अब फ्लैशिंग थोड़ा टाइम लेगा तकरीबन दो से तीन मिनट्स आप वेट करें ये फ्लैशिंग कम्प्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं और जनाब जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ वाइप कैश है डेलविक नज़र आएगा नीचे और रिबूट सिस्टम अब आपने बैक करके मेन स्क्रीन पे आना है ठीक है जी ध्यान दीजिएगा मेन स्क्रीन पे आइएगा और वाइप पे टैप कीजिएगा फिर फॉर्मेट डेटा पे टैप करें और यहाँ वाई ई एस टाइप करके यहाँ टैप कीजिएगा फॉर्मेटिंग शुरू होगी ये स्टेप जरूरी है वरना रॉम बूट नहीं होगा हाँ जब ये हो जाए तो फिर आप रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा मोबाइल फोन रीस्टार्ट होगा मी लोगो आपको नजर आएगा और मोबाइल फोन जो है मी ए थ्री अब फर्स्ट बूट शुरू करेगा जो कि मी यूआई रॉम है कन्वर्टेड रॉम है मी सी सी नाइन ई से और लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है जो कि ट्वेल्व पॉइंट फाइव पॉइंट टू है देखा आपने जी मी का लोगो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर वेट करें फर्स्ट बूट है थोड़ा टाइम लगेगा फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों मी वाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव की जो मेन स्क्रीन है लोगो वाली वो आपको नजर आएगी मी A3 थ्री पे फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है तकरीबन चार मिनट लगे फर्स्ट बूट को कंप्लीट होने में सेटअप स्क्रीन को अब आप कंप्लीट कीजिएगा और जनाब डेफिनेटली जो मी यू आई को पसंद करते हैं उनको खुशी हो रही होगी मी यू आई की जो यू आई है वो स्क्रीन देकर अपने मी ए थ्री पर सेट बे जो है Xiaomi मी यू आई ट्वेल्व पॉइंट फाइव पॉइंट टू कन्वर्टेड जो लेटेस्ट है वो फ्लैश हो गया है बिल्कुल परफेक्टली देखा आपने जी फ्लैश के साथ ही आपको मी डायलर मिल गया है और मी मैसेजिंग एप्लीकेशन जो मी एस एम एस और इसके अलावा सेटिंग्स में जाके आपको मैं अब दिखाता चलूँ माई डिवाइस पे तो आप देखिएगा मी यू आई बाय शियामी डॉट ई यू स्टेबल ठीक है जी इसके अलावा मैं ऑल स्पेसिफिकेशन पे टैप करूँगा तो यहाँ देखिएगा मी ए थ्री फोर जी बी स्नैपड्रैगन एंड्रॉयड वर्जन टेन है क्योंकि एंड्रॉइड टेन ही मी सी सी नाइन के लिए फिलहाल आया है अगर एंड्रॉयड अलेवन आ गया मी सी सी नाइन ई के लिए तो ये रोम भी कन्वर्ट हो जाएगी एंड्रॉयड अलेवन अपडेट आ जाएगा हमारे पास अच्छा जी अब यहाँ जरा देखिएगा बीज बैंड के नीचे जिसे मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि नंबर्स आपको नजर आए तो ये बहुत खुशाइन बात है मतलब ये हुआ कि सेट प्रॉपरली फ्लैश हो गया है और अब जाए वो 3G हो 4G हो एल वगैरह वगैरह सब इस पर काम करेगा बेहतरीन ठीक है जी तो ये तरीक़ेकार था जो जो मी वाई कन्वर्टिड रोम मी ए थ्री पे कैसे फ्लैश करेंगे मेरी कोशिश थी कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप सबको वीडियो में बताया दिखाया उम्मीद है कि आपके पास भी rom फ्लैश हो गया होगा इन्जॉय करें rom को यूज़ करें और अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वन पर आना हो तो ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में कि कैसे दोबारा एंड्रॉयड वन की तरफ आना है वो भी देख लीजिएगा कल को अगर आपका इरादा हो अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा भूलिएगा मत अपने सेहत का ख्याल रखे फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन गुड बाय खुदा हाफिज